तो गाइस अब हम आ गए हैं नदीगंज, तो चलिए करेंगे यहाँ पर दर्शन। जय श्री राधे कृष्ण, स्वागत है उन कृष्ण भक्तों का निधिवन वृंदावन धाम। सो गाइस पिछले ब्लॉग में किए होंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, सो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। आज के इस ब्लॉग में जानेंगे निधिवन व्यास रहस्य और कैसे पहुँचे संपूर्ण जानकारी निधिवन का रहस्य। मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा, तो क्या आप भी निधिवन आना चाहते हैं या आने वाले हैं और निधिवन कैसे आए एवं निधिवन से जुड़ी रहस्यमय बातों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आज के इस ब्लॉग में वह सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आप जानना चाहते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे वृंदावन में स्थित निधिवन आ सकते हैं और साथ ही मैं आपको निधिवन का रहस्य एवं निधिवन का इतिहास के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। निधिवन खुलने का समय जो कि सुबह 6 से रात 8 बजे तक है। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच बिताया गया खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्रेम को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधिवन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको इस निधिवन रहस्यमय के बारे में बताती हूँ। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। राधा रानी को प्यास लगी, भगवान को रात्रि में संध्या भगवान ने पानी निकाला, लगता से उनको पानी पिला, उसका नाम पड़ा लगता कुंड। कुआ है, भगवान ने बंसी से खोदा। बोलो राधा रानी की, पहले कच्चा था, ट्रस्ट ने पक्का करा। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा हो सकता है या तो सुनने की क्षमता हो सकता है। बाकी ये बाद में ले आएंगे, कर लेता। हाँ ठीक है ठीक है। पापा जी देखो कौन है, मुड़ा के कौन जिसमें प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन का बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है और साथ ही ब्रूस साड़ी भी वहां रखी जाती है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं पुजारी को पानी का एक गिलास आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि कोई उसमें सोया हो। बंदर भी आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। हाँ
इस वन की एक दिलचस्प बात यह है, यहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा है और यहाँ पर कर सकते हैं आप भी दर्शन निधिवन श्री भगवान श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी जी के। सो बहुत ही सुंदर ये छवि है, आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की और श्री राधा रानी की जो कि नृत्य करते हुए ये छवि बनाई हुई है। सो बहुत ही प्यारी है ये छवि, देख सकते हैं और दर्शन। तो चलिए, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। सो मैं आपको पूरी निधिवन के बारे में भी बता रही हूँ, सो देख ही सकते हैं। चलिए करते हैं दर्शन, तो बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, काफ़ी सुंदर ये दृश्य है। सो ये देखिए, काफ़ी दूर दूर से भक्तजन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए, चलिए यहाँ पर देख सकते हो श्री राधा रानी की कितनी सुंदर छवि है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर दर्शन करके, ये देख सकते हैं। और चलिए गाइस, बात कर लेते हैं निधिवन कैसे आ सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको निधिवन के इतिहास रहस्य के बारे में आपको बता दिया है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं निधिवन की कितनी दूरी है। सो आप निधिवन कैसे आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, चलिए मैं आपको वो भी आपको बता देती हूँ। पहले बात करें मथुरा से निधिवन की दूरी कितनी है। मथुरा से निधिवन की दूरी 12 किलोमीटर है। यह दूरी आप बस, कार या टैक्सी से तय कर सकते हैं। प्रेम मंदिर से निधिवन की दूरी 5 किलोमीटर है। यह दूरी आप बस, कार या टैक्सी से तय कर सकते हैं। अगर बात करें बस से निधिवन कैसे आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप निधिवन आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले वृंदावन आना होगा। यहाँ आने के लिए आपको दिल्ली से कई सारी बसें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि आप दिल्ली से सीधे वृंदावन आ सकते हैं। और अगर आप मथुरा से होते हुए निधिवन आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से मथुरा के लिए सीधी बस देखने के लिए मिल जाएंगी। मथुरा के बाद आप वृंदावन आकर निधिवन आ सकते हैं। निधिवन से वृंदावन के बीच की दूरी की बात की जाए तो वह लगभग 155 किलोमीटर के आसपास है। ट्रेन से निधिवन कैसे आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ट्रेन के माध्यम से वृंदावन आना चाहते हैं तो आपको वृंदावन के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जो कि मथुरा का जंक्शन है, वहां उतरना होगा। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर है। यहां आने के लिए आप टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदन फैमिली का मंदिर है।
चीर वगैरह बन रहा है। तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं आराम और खाना पीना हो गया है और हम कर रहे हैं विश्राम। ओ विश्राम, लड़की ने कर दिया खराब हमारी तो नहीं है वीडियो, अच्छा कर दिया। हम विश्राम कर रहे हैं। सो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, आसन छोड़ चले हैं भगवान। अच्छा, वीडियो बना रही है, हर बारी आएंगे। सो अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए। काफ़ी धूप हो गई है और हम लोग भी आ गए हैं वापस दर्शन करके। तो अब तो हम बस की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए वहाँ वैष्णो रानी का मंदिर, और हम फिर कभी आएंगे इधर इधर का चांस कम मिलेगा आने के लिए, होते ही रहता है। हाँ नहीं, इस वाले मंदिर में जाना है। सो अब की बार आएंगे तो ज़रूर घूम के जाएंगे इस वाले मंदिर। हाँ ये है ना, टाइमिंग हो गया ना ज़्यादा, 12 बजे ये यहाँ का। अच्छा नहीं जी, मंदिर को वैसे बंद करना नहीं, ये उस टाइम तो खुला था जब हम लोग आए थे। क्योंकि बेचारे यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं। ये देखो कितने सारे यात्रा आए थे दर्शन करने के लिए। सो अभी तो सभी आराम कर रहे हैं, पहले नहीं था यहाँ पे। नहीं अब अच्छा कर दिया, हमारी बस तो वहाँ खड़ी है। हाँ बस तो उधर है अभी फिलहाल के लिए, तो वहाँ तो काफ़ी धूप हो रही है। वो तो ले पानी, हाँ लेकर आ जाओ। किसी का होगा भैया दिखाना। सो भैया को यहाँ चश्मा मिल गया। चलो बोल भाई, बोल बोल नहीं। वहाँ खड़ी है ना बस, इस बार बस भी काफ़ी लंबी गई है। पहले ऐसी बस नहीं होती थी, बट अब की बार काफ़ी अच्छी बस है, एसी वाली। पहले भी थी बट इस बार ज़्यादा लंबी बस है। हाँ बस हवा भी चल रही है। चलो वाओ, जय माँ वैष्णो देवी है। ये यही तो है अपनी बस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पलंग खड़ी है। अपनी वाली बस कहाँ है भैया? हाँ उधर है, हाँ उधर है। चलो, ओ पार्किंग भी काफ़ी बड़ी हो गई है ना। हम लोग जल्दी आ गए क्या? चलो नहीं तो भी अंदर तो चले गए ना आप, कम से कम संतुष्टि से होके गए। हम हमें जाना था वहाँ रुद्राचार्य जी के, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ तो पास में था। यहाँ पे हमें मिल गई छोटी सी बच्ची, ये आगे नहीं देख रही, ये पीछे ही देख रही है। आज क्या क्या करा, क्या क्या करा? तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बस चल पड़ी है वृंदावन से। अभी फिलहाल पार्किंग में खड़ी थी। नहीं नहीं नहीं
जा रही है वापस। पचास ही पचास देने हैं। पचास देकर 150 ले ले। क्या क्या खाया आज? नहीं भाई देखो जितना बताओ जल्दी वही बहुत है। सो अभी फिलहाल के लिए कितनी मक्खी उड़ी धूल उड़ रही है वो भी यहाँ पर हमने रेस्ट किया था। और हमारी बस चल पड़ी है वृंदावन से तो अभी तो फिलहाल खड़ी है। यहाँ सही है गाइस देखो एक बस आ गई है और देखो दूसरी बस भी आ गई वो अंदर। अब नई नई बसें आएंगी हमारी बस काफ़ी जाएगी। बाकी अपना आरी भी कर जाएगी अपना।